हेलो स्टैंडर्ड फिफ्थ, सब्जेक्ट है हिंदी रिवीजन। ओके, हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू हियर रिवीजंस। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। हमने फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर थे उससे अच्छे से हमने सॉर्ट आउट किए, जो सारे डाउट्स थे वो हमने सॉल्व किए, राइट। और आपको पता है हमारा जो पेपर स्टाइल है उसके हिसाब से क्वेश्चन वन होगा आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जो कि हो गए 10 मार्क्स के, ठीक है। यानी 10 क्वेश्चंस होंगे, आपको उसी पेपर्स में आपको आंसर राइट करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन टू होगा निम्नलिखित वाक्यों सॉरी कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्लैंक्स है, लेट्स सॉल्व इट। पहला जो है कुछ इस तरह से ब्लैंक्स होगी, करणपुर नामक गांव में एक डेस्क रहता था। यहाँ पर आपको और ऑप्शंस भी दिए गए चाहिए कि चरवाहा या फिर दर्जी, चरवाहा या फिर दर्जी। तो राइट आंसर इज करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। सो वी हैव टू राइट हियर चरवाहा, चरवाहा, राइट। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। सेकेंड वन है चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना डैश करता था, तो क्या आंसर आएगा? तो चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। सो राइट आंसर इज गुजारा। ओके, चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। एक दिन अचानक चरवाहे को डैश करने की सूझी, तो क्या करने की सूझी? मजा या फिर शरारत, ठीक है। आपको लिखना होगा, सही आंसर होगा मजा का। चरवाहे, एक दिन अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूची। ये कौन सा है, कौन से चैप्टर में से हमें पूछा गया है? तो ये बाघ और चरवाहा नाम की जो स्टोरी हमने यहाँ पर लर्न की थी उसी में से ये फिल इन द ब्लैंक्स है, वही हम कंप्लीट कर रहे हैं, वही हम लर्न कर रहे हैं, राइट। ताकि अगर आपको याद ना हो तो आप फिर से याद कर सकते हैं। You have to remember it and you have to write it very well. चरवाहे की डैश सुनकर खेतों से लोग दौड़ आए, तो क्या सुनकर? बातें सुनकर लोग दौड़ आए थे या फिर चिल्लाहट? तो सही आंसर होगा चिल्लाहट। It's just yelling. चिल्लाहट सही आंसर होगा, चिल्लाहट। फिर है जब सचमुच में बाघ आया तो डैश कर नहीं आया, कौन नहीं आया? चरवाहा नहीं आए, लोग नहीं आए, कोई नहीं आए, क्या आंसर होगा? जब सचमुच में बाघ आया तो कोई नहीं आया, सही आंसर होगा कोई। यू हैव टू राइट हियर कोई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चरवाहे की डैश आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा, कैसी आदत के कारण? अच्छी आदत के कारण, बहुत अच्छी आदत के कारण या फिर बुरी आदत के कारण? तो सही आंसर होगा बुरी। चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा, बुरी, ठीक है। चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा, यही होगा हमारा सही आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे भी ब्लैंक्स है, ओके स्टूडेंट्स। तो वो सारे ब्लैंक्स आपको होमवर्क में लिखनी है, ओके। ये जो मैंने बाकी अभी 6 ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करवाई है वो लिखनी है। और कम टू द पेज नंबर 60, आदर्श प्रश्न पत्र पेज नंबर 60, ठीक है। उस पर जो ब्लैंक्स अवेलेबल है वो अभी यहाँ पर हम कर रहे हैं, वो अभी आपको यहाँ पर होमवर्क में राइट डाउन करनी होगी। पेपर डेस्क लटक रही है, क्या लटक रही है? तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। वी हैव 2 ऑप्शंस, वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शंस एंड देन जस्ट फिल द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3A, यहाँ पर 3A और उसके नीचे है ब, सही विकल्प चुनकर अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए, वो आपको लिखना है। ये रहा हमारा आदर्श प्रश्न पत्र, यू कैन सी हियर ऑन पेज नंबर 16। पेड़ पर, अदरवाइज अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, पेड़ पर क्या लटक रही है? ओके, तो फेमिनिन होगा या फिर मस्कुलाइन, मस्कुलाइन में बंदर है और फे
तो लटक रही है इट मींस इट्स रिप्रेजेंट फेमिनाइन एंड देन वी हैव टू राइट हियर बंदरिया पेड़ पर बंदरिया लटक रही है नंबर टू पिंजरे में दहाड़ रहा है ये हमने देखा था गीता और वो दादाजी वाला राइट चिड़िया घर की से उसी चैप्टर में से ये ब्लैंक्स अवेलेबल है पिंजरे में दहाड़ रहा है तो क्या आएगा शेर भी दहाड़ रहा है या फिर शेर तो सही आंसर होगा शेर पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है नंबर तीन में डैश और फिर फुल स्टॉप तो यहाँ पर हमारे पास टू ऑप्शंस है वी हैव टू ऑप्शन वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ या फिर पढ़ते हैं तो याद रखना स्टूडेंट्स पढ़ता हूँ यानी कि इट्स प्रेजेंट सिंगुलर नाउन यानी कि कोई एक पढ़ रहा है लेकिन मैं पढ़ते हैं इट्स रिप्रेजेंट अ प्लूरल नाउन लेकिन यहाँ पर अगर हम होता तो पढ़ते आएगा राइट हम पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नाउन है कोई एक ही व्यक्ति है जो कि बता रहा है कि मैं पढ़ता हूँ तो सही आंसर होगा मैं पढ़ता हूँ ठीक है फिर है नेक्स्ट फोर नंबर फोर डैश लिख रहे हैं पहले है खाली जगह फिर है लिख रहे हैं वी हैव टू ऑप्शंस हम और वहां तो सही आंसर क्या होगा वहां लिख रहे हैं नहीं वहां जो कि एक सिंगुलर नाउन को प्रेजेंट करता है वहां यानी कि वो लिख रहे हैं राइट ऐसा नहीं होता यहाँ पर लिख रहे हैं इट मींस इट रिप्रेजेंट प्लूरल नाउन लिख रहे हैं एक से ज्यादा लिख रहे हैं तो इसका मतलब है हम सही आंसर होगा हम लिख रहे हैं नंबर फाइव डैश पानी भरने जा रही है पानी भरने जा रही है इट मींस इट रिप्रेजेंट अ सिंगुलर नाउन कोई एक लड़की या कोई एक स्त्री पानी भरने जा रही है पानी भरने जा रही है राइट तो सही आंसर होगा स्त्री स्त्री पानी भरने जा रही है पानी भरने जा रही है राइट स्त्री पानी भरने जा रही है हो गया नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर टू निकालिए जल्दी से चैप्टर नंबर टू गीति इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर आवर लाइफ एंड फॉर आवर एग्जाम्स ओके आपको गिनती आई नो इंग्लिश और गुजराती में आता होगा कि एक है तो वन हो जाता है टू है तो बेक है जाए राइट पर उसका हिंदी में नहीं आता हिंदी में हम गिनती को क्या बोल सकते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न आई होप कि आप अब तक आपने से लिख लिया होगा सारी ब्लैंक्स सो डू योर होमवर्क वेरी वेल ये सारी ब्लैंक्स आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखनी है ओनली वन टाइम ओके Please write it in your common homework notebook one time. This thanks. So I just erase it now. अब next हम सीखेंगे, learn करेंगे chapter number two. हमने chapter number one को solve कर लिया है, right? तो अब हम पढ़ेंगे chapter number two. In the page number है 16. 1 and 6. It's called 16. निम्नलिखित 1 से 50 संख्याओं को शब्द में लिखिए ठीक है तो ये जो आपका पूरा पेज है पेज नंबर 16 वो आपको अपनी कॉमन होमवर्क नोटबुक में वन टाइम राइट डाउन करना है पूरा का पूरा पेज पेज नंबर 16 अंडरस्टैंड और ये सभी ने आई होप फिलअप कर लिया होगा आप सभी ने बोला है कि हमने फिलअप कर लिया है राइट तभी तो किसी को डाउट नहीं था तो ये सारा पेज आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा सॉरी उसे होमवर्क में राइट डाउन करना होगा यहाँ पर नीचे देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर टू ऐसा आपका एग्जाम में अवेलेबल होगा
ये दोनों क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में अवेलेबल होंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए और निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, ये दोनों क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में अवेलेबल है, ये आपके पेपर में होगा। सो प्लीज राइट डाउन फर्स्ट, लेट्स लर्न। 31, 31 को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? 31 को बोलेंगे 31, राइट? फिर है 48, राइट? 48 को क्या बोलेंगे? 48, 48 को बोलेंगे 48। और आपको हिंदी में ही ये जो आप डिजिट लिखेंगे वो हिंदी में लिखना है, भूलकर भी इंग्लिश में मत लिखना, ठीक है? आपको इंग्लिश में राइट डाउन नहीं करना, हिंदी में ही लिखना है। फिर है 48 को हिंदी में बोलते हैं 48, 31 को हिंदी में बोलते हैं 31, फिर है 39, 39 यानी कि 39, जो कि आपको हिंदी डिजिट का ही यूज करना है। नंबर 4 है 29, 29 जिसमें आपको लिखना होगा, 29 का मतलब होता है 29, ये आपने लर्न किया है राइट, 29 का मतलब होता है 29। फिर है 38, नंबर 5 38, 38 का मतलब होता है 38, राइट, जिसे हिंदी में कहते हैं 38, जो आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं 38। सो यहाँ पर 31 को कहते हैं 31, 48 को कहते हैं 48, फिर 36 को कहते हैं 39, 39 को बोलते हैं 39, फिर है 29, 29 और 38 से बोलते हैं 38, ओके? नेक्स्ट आपको आंसर देने। सो टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश अवर सेशन। आई होप कि आपको ये सब आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, ठीक है? डू योर होमवर्क वेरी वेल एंड डू योर प्रिपरेशन वेरी वेल, ओके? टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। हमने यहाँ पर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का हमने रिविजन किया है, ठीक है? और आपको यही होमवर्क में कंप्लीट करना होगा। चैप्टर 1 की जो सारी ब्लैंक्स है और जो हमने पीछे वाला आदर्श प्रश्न पत्र में जो ब्लैंक्स हमने कंप्लीट की है वो आपको वन टाइम लिखनी है अपनी कॉमन होमवर्क नोटबुक में, राइट? इज इट क्लियर? एंड ये चैप्टर नंबर 2 में जो गिनती है यानी कि पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 में पूरा आपको पेज नंबर 16 अपनी कॉमन होमवर्क नोटबुक में लिखना है, ओके? वन टाइम। देन बाय, हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय, फिर मिलते हैं।